पहले भी मैं मगध सीमा पर आ चुका हूँ, परंतु ये मार्ग थोड़ा भिन्न लग रहा है। सीमांत का मार्ग निश्चित नहीं होता अंगराज, निश्चित तो उचित अनुचित होता है, अर्थात उचित दिशा निश्चित करना ही सत्य है। मन की शुद्धि के लिए आवश्यक है कि उत्सुकता के वेग को रोका ना जाए। प्रश्न नहीं करोगे तो उत्तर कैसे पाओगे? तुम्हें कैसे पता कि मैं कुछ पूछना चाहता हूं? एक माता को कैसे पता होता है कि आज उसके बालक को क्या खाना है? एक ढाल को कैसे पता होता है कि तलवार किस ओर से आनी है? ये मन की भाषा है अंगराज। अपना मन सचेत हो तो दूसरे का मन पढ़ना कठिन नहीं। तो तुम मन की बातें भी पढ़ लेते हो? अवश्य, सारथी जो हूं, रथी का मार्ग प्रदर्शन करने के लिए उसका मन पढ़ने की कला एक सारथी को अवश्य आनी चाहिए। वैसे युद्ध करने में बहुत कुशल हो ना अंगराज? ये क्यों पूछा तुमने? ऐसे जो वासुदेव से युद्ध करने को उपस्थित हो उसका युद्ध कौशल तो विलक्षण होना चाहिए। तुम्हें कैसे पता कि मैं वासुदेव से युद्ध करने जा रहा हूं? जरासंध ने बताया? नहीं। तो फिर किसने? आपको स्मरण नहीं अंगराज, मैंने अभी कहा था, अगर सारथी का मन सचेत हो तो योद्धा का मन पढ़ना कठिन नहीं। सारथी, और तीव्र और तेज चलाओ। हो रहा, और तीव्र। जरासंध को एक बार और मूर्ख नहीं बना सकता ये वासुदेव। और तीव्र। कहां गया ये छलिया? अब ये रथ क्यों रोक दिया मेरा मन पढ़ने के लिए? मन पढ़ने के लिए नहीं, मार्ग पढ़ने के लिए। यदि लक्ष्य तक की यात्रा लंबी हो तो बीच बीच में रुककर मार्ग जांच लेना चाहिए, भाप लेना चाहिए कि कहां के लिए निकले थे, कहां तक पहुंचे हैं और कहां जा रहे हैं। और ये यात्रा आवश्यक है या नहीं? सारथी, रोको रथ, रथ रोको। जरासंध की आंखों में धूल झोंक गया ये कृष्ण, परंतु यह जरासंध भी हार नहीं मानेगा। चलो सारथी।
यदि मार्ग की जांच कर ली हो तो प्रस्थान करें। रथी को समय पर लक्ष्य तक पहुंचाना भी सारथी का ही कर्तव्य है। सत्य कहा आपने, परंतु एक बार पुनः विचार कर लीजिए अंगराज। अर्थात मैं इंद्र का सारथी नहीं कि मैं जल और वायु पर भी रथ चला सकूं। सामने देखिए अंगराज, यहां नदी कैसे आ गई? मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा? नदी हमारे मार्ग में नहीं आई है अंगराज, हम नदी के मार्ग में आए हैं। अब सोचना यह है कि इस बाधा को कैसे पार करेंगे आप। इस प्रश्न का मेरे पास क्या उत्तर हो सकता है? क्योंकि महारथी आप हैं, महान धनुधर हैं, दिव्य अस्त्रधारी हैं। सुना है आपके पास अग्निबाण भी है, क्यों ना एक अग्निबाण का संधान कर इस नदी को सुखा दें, ताकि हमें आगे बढ़ने का मार्ग मिल सके। आपके लिए समय से ज्यादा महत्वपूर्ण और कुछ है? दुर्गम मार्गों में रथी का कर्तव्य बनता है कि वो अपने सारथी की सहायता करे। यदि रथी सहायता नहीं करेगा तो सारथी लक्ष्य तक उसे कैसे पहुंचाएगा समय पर? यदि लक्ष्य तक की यात्रा लंबी हो तो बीच बीच में रुककर मार्ग जांच लेना चाहिए। भाप लेना चाहिए कि कहां के लिए निकले थे, कहां तक पहुंचे और कहां जा रहे हैं, और ये यात्रा आवश्यक है या नहीं। नहीं, कोई विवाह उत्सव नहीं मनाया जाएगा दुशासन। दुर्योधन तब उत्सव मनाएगा जब उन पांडवों का अंत हो जाएगा। उत्तम दुर्योधन, उत्तम। जो अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले उत्सव नहीं मनाते वो शीघ्र ही लक्ष्य साधते हैं, और तुम्हें उत्सव मनाने के लिए अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। पुरोचन, अधिकतम अगली पूर्णिमा तक लाक्षाग्रह का निर्माण कर ही देगा, तो बस तुम्हारे लक्ष्य प्राप्ति के लिए केवल 15 दिन शेष है। नहीं मामाश्री, नहीं, केवल केवल लक्ष्य ग्रह के निर्माण हो जाने से कुछ नहीं होता। प्रश्न तो ये है कि क्या हमारे कहने पर ही वो पांडव वहां जाने के लिए प्रस्तुत होंगे? अवश्य होगा मेरे होने वाले सम्राट, अवश्य होगा। विशेषकर तब जब वर्णावत में हस्तिनापुर के युवराज का सम्मान और सत्कार करने के लिए वहां उन्हें बुलाया जाएगा। ये केवल संभावना है मामाश्री, संभावना। यदि उन्होंने वहां जाने से मना कर दिया तो गाय को अपने वश में कर लो तो बछड़े अपने आप विवश हो जाते हैं। उसी प्रकार
पांडवों की माता श्री कुंती का सत्कार किया जाए तो उसके पांचों पुत्रों को आना ही होगा। यदि वो पांचों उंगलियां हैं तो कुंती उनका शरीर है, शरीर वो जहां जाएगी ये पांचों उसके साथ जाएंगे ही। परंतु मामा श्री, वो लाक्षा ग्रह है तो क्या इसका अर्थ पांडव के साथ साथ माता कुंती को भी? अति उत्तम, दुशासन अति उत्तम। तुम्हारे मन में अचानक से दया जाग गई? मैं तो बड़ा प्रसन्न हुआ अपने भांजे की मानवता से। राजनीति में चने के साथ साथ घुन को भी पिसना होता है दुशासन। और हां, कुंती तो तुम्हारी माता समान है तो उसे अपने पुत्रों के वियोग में व्यथित होने दोगे? क्यों ना उसके पुत्रों के साथ ही उसके आने वाले कष्टों का भी समापन कर दिया जाए। तुम्हारे भ्राता को सिंहासन तक पहुंचने के लिए कई शवों पर पांव रखने होंगे दुशासन, रखने ही होंगे। तो यदि पांच के स्थान पर छह हो जाए तो उसमें अंतर क्या होगा दुशासन? उचित 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 कहा मामा श्री आपने? ये उचित नहीं है। क्या उचित नहीं है अंगराज? अस्त्रों का प्रयोग। मैं योद्धा हूं, हत्यारा नहीं। यदि इस धारा को सुखा डाला तो इस जल के जीव जंतु मारे जाएंगे और निर्दोषों का वध मुझे स्वीकार नहीं। और अभी तुमने कहा कि यह नदी हमारे मार्ग में नहीं, हम नदी के मार्ग में आए हैं, तो नदी को सुखा देना उचित नहीं होगा। अति उत्तम। आशा है भविष्य में भी आपको ये बात स्मरण रहेगी अंगराज। मेरा तात्पर्य यह है कि अब हम रास्ता बनाएंगे कैसे? इस नदी को पार करना ही पड़ेगा अगर हमें समय पर पहुंचना है। आगे चलकर देखते हैं, कहीं तो जल स्तर कम होगा जहां से हमारे अश्व और रथ निकल सके। प्रस्थान करो। ठीक है, चलते हैं। अंगराज, लगता है हम दलदल में फंस गए। हमारा रथ फंस गया है अंगराज। अंगराज, लगता है हम दलदल में फंस गए। रथ से उतरो नटवर, अन्यथा तुम्हारे भार से यह चक्र भूमि में और धंस जाएगा। धनुष उठाओ पार्थ, संधान करो। हे
अब हमें शीघ्रता करनी चाहिए। वर्तमान के कर्म भविष्य में फलदायी होते हैं अंगराज। कोई ऐसा कार्य मत करना कि भविष्य पीड़ादायी हो। तुम कभी कोई सीधी बात क्यों नहीं करते? सीधा ही कह रहा हूं अंगराज, आपका भविष्य युद्ध है और युद्ध पर समय पर पहुंचने के लिए नदी सुखाने के अतिरिक्त आपके पास कोई और मार्ग है? आपका भविष्य युद्ध है और युद्ध पर समय पर पहुंचने के लिए नदी सुखाने के अतिरिक्त आपके पास कोई और मार्ग है? मार्ग है। तुमने उचित कहा कि मैं धनुर्धारी हूं। आगे बढ़े। निर्दोषों की प्राणों की रक्षा के लिए अपना लाभ छोड़ देना अच्छा लक्षण है कौंताय। कोई सूचना? क्षमा कीजिए महाराज, गुप्तचरों के दल हर दिशा से लौट आए। बहुत खोजने पर भी कर्ण का कोई चिन्ह नहीं मिला। लगता है वासुदेव कृष्ण उसे किसी गुप्त और अज्ञात स्थान पर ले गए। क्या अब भी युद्ध को प्रस्तुत होना चाहेंगे अंगराज कर्ण की अनुपस्थिति में? मेघ बहुत अधिक देर तक सूर्य को छुपा कर नहीं रख सकते महामंत्री। भले ही हमें ज्ञात ना हो कि वो कृष्ण कर्ण को कहां ले गया है, परंतु हमें यह विश्वास अवश्य है कि कर्ण युद्ध के नियत समय पर युद्ध क्षेत्र में अवश्य पहुंच जाएगा, क्योंकि युद्ध की चुनौती और वचन की पूर्ति इन दोनों को कर्ण कभी नहीं टाल सकता। युद्ध की तैयारियां करो। कल सूर्योदय होते ही जरासंध कृष्ण का दलन करने को प्रण करेगा। मगध नरेश की, 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 मगध नरेश की। रुक क्यों गए? अरे रथ से क्यों उतर गए नटवर? अब क्या हुआ, यहां क्यों आ गए? क्या करूं अंगराज, मैं आपकी भांति महान योद्धा नहीं, एक साधारण सारथी हूं। रथ को धकेलने से थकान हो गई है, इसीलिए विश्राम चाहिए। परंतु तुमने ही कहा था कि इस समय समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हाँ, पर समय भी समय समय पर विश्राम लेता है। हृदय के दो स्पंदों में विराम होता है, श्वास के
प्रवास में विराम होता है, वर्षा के बूंदों के मध्य विराम होता है। इसीलिए मैं भी अल्प विराम ले रहा हूं। यदि समय विपरीत होता तो मैं विश्राम नहीं करता, गहन निद्रा में होता, लंबी निद्रा में। नटवर,